तोशाखाना केस सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल भी मुकम्मल। सजा मौतली की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कानून और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। रियासत को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा की। कहा 44 समातों में चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 4 बार पेश हुए। बिजली के होशुमार बिल्स पर मुल्क भर में पांचवें रोज भी एहतजाज। मियां चन्नू में बिजली बिल के हवाले से अनोखा एहतजाज। शहरी बिल का हार पहनियर ड्रिप लगवाए बाबडा ऑफिस पहुंच गया। शकरगढ़ में मुजाहरीन ने पीला गुजरात सिनियारी रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कसूर में मुजाहरीन का चुंगी रुकनपुरा पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। शहरी ने बिजली के बिल जलाकर दिल ठंडे किए। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक फौज के जवान मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू में मसरूफ। मेलसी चिश्तियाँ मिंचनाबाद पाकपतन आरिफवाला विहाड़ी लोधरा बुरेवाला और हज सुलेमानकी में मुतासरा की महफूज महकमात पर मुंतकली का सिलसिला जारी। बहावलपुर डिवीजन के नशीबी इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए फौज का फ्री मेडिकल कैंप। राशन भी तकसीम किया गया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाएगी। 20 रोज में केस की 5 समातें हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जल्द फैसला ना करने पर एक समात पर रोस्टरम भी छोड़ा, जबकि तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में रहेंगे, रिहाई मिलेगी या मामला दोबारा सेशन अदालत में जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई ने 5 अगस्त की 3 साल कैद और जुर्माने की सजा के खिलाफ 8 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। 9 अगस्त को पहली, 22 अगस्त को दूसरी, 24 अगस्त को तीसरी, 25 अगस्त को चौथी, जबकि 28 अगस्त को 5वीं समात हुई। चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो चुका, लेकिन उस पर मजीद समात आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी तरफ सजा मौतली की सूरत में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई का इम्कान कम है, क्योंकि उन्हें साइफर समेत दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी का इम्कान है। सबसे बड़ा सवाल के बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ कैसे दें। निगरान हुकूमत की मुशावरत पर मुशावरत। आवाम के रिलीफ के लिए 2 अहम इजलासों के बाद एक और इजलास बुलाने का फैसला। वजारत तवानाई की तजवीज आज वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत बिजली के बिलों से मुतालिक दूसरा इजलास खत्म हो गया। निगरान वजीर आजम नौरुल हक्काकर ने बिजली बिलों में हालिया इजाफे पर एक और आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सार्फीन को रिलीफ देने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत तवानाई के मुताबिक वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। ये तजवीज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी, क्योंकि इन तजवीज और फैसलों की मंजूरी की मजाज सिर्फ वफाकी काबीना है। निगरान वजीर आजम नौरुल हक्काकर से वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद की मुलाकात हुई है, जिसमें बिजली बिलों के हालिया इजाफे पर गौर किया गया। मुलाकात में सार्फीन को रिलीफ देने से मुतालिक तफसीली मशावरत हुई। वज़ीर आज़म को फ्रेमवर्क से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी खजाने पर इजाफी बोझ डाले बगैर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।